जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ी सी कुछ अलग है, किसी तेंदुलकर के ऊपर नहीं है, ना ये विराट के ऊपर है, ना ये किसी क्रिकेट के बारे में। ये वीडियो आज की है उन बच्चों की जिनके आजकल एग्जाम चल रहे हैं, 10वीं, CBSE, MP बोर्ड, 12th के बच्चों के पेपर, एनुअल एग्जामिनेशन चल रहे हैं। और अभी सबसे पहले हम बात करते हैं 10th की। तो 10th का अभी आज हमारी है 24 तारीख, अभी उनका शायद 2 दिन पहले एक हिंदी का पेपर हुआ, अब शायद उनका मंडे को इंग्लिश का है, तो उनके चालू हो गए हैं 10वीं और 12वीं के। तो मैं उनसे दो चार बातें कहना चाहता हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप मन में लाइए, नहीं तो फिर दिक्कत है। ज्ञान तो कहीं भी मिलता है और रुक के लेना चाहिए भाई, लेकिन आजकल के नई युवा पीढ़ी जो है वो ज्ञान लेना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि उनके सामने ज्यादा बकबक करे। हाँ, रील्स वो देखते हैं, खूब ज्ञान वो दूसरे तरीके से बटोरते हैं, लेकिन कोई इनको बोर ना करे, कोई इनको बोर ना करे, क्योंकि नॉलेज आज के समय में बहुत है। ऐसा तो कोई नहीं देता भाई, नॉलेज सब देते हैं। कहीं मैंने देखा था। तो शुरुआत करते हैं, देखिए हिंदी से बात करते हैं। जिन बच्चों ने हिंदी का पेपर अच्छे से किया है, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग है, हिंदी में आपको मौका मिलता है आप स्कोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का एक अच्छा मौका रहता है। तो हिंदी थोड़ा सरल भी पड़ता है और अगर सिस्टमेटिक पढ़ाई की जाए तो हिंदी में काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। 90% बच्चे स्कोर कर लेते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन थोड़ा सा आपको स्पीड, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें आपको लिखना पड़ता है थोड़ा, तो आपकी स्पीड मायने रखती है, स्पीड आपकी कैसी है ये मायने रखता है, प्लस आपने किस तरह से आपने चीज़ों को प्रेजेंट किया है, उसमें लिखा किस तरह से है, उसके भी जब भी जो है चेकिंग होती है तो ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चों ने अपने पॉइंट को कैसे बताया है। कि ऐसे तो नहीं केवल सब कुछ मिला मुल के रख दिया, तो वो प्रेजेंटेशन का भी अपने नंबर है। लेकिन बात वही है कि इतने कम समय में अगर बच्चे सजाने संवारने लगेंगे तो फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे, बिल्कुल सही। लेकिन ये कोई आदत होती है, ये डे वन से आपको अपने अंदर लानी पड़ती है लिखने की। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वीडियो देख के पढ़ना चाहते हैं। अरे भाई, वीडियो देख के आपको एग्जाम में नंबर तो आपको लिख के ही मिलेंगे ना, तो लिख के नहीं लिखते, लिख के नहीं देखते, और जिसकी वजह से उनको एग्जाम में पूरा जो है जिसको कहते हैं ब्लैंक हो जाते हैं। हमारे समय में हम लोग जो है मोटे मोटे जो रजिस्टर आते थे उसमें कोई भी लिखने के बाद में वो लिखते थे, इंग्लिश में हिंदी में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनका अपना महत्व होता है और जिसके मार्क्स मिलते हैं। तो आजकल के बच्चे वीडियो देख के पढ़ना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते, वो हर चीज़ को वो मतलब एक विजुअल तरीके से जो है, आप जैसा आपको मालूम है कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं तो उसको अगर आप रिकॉल करेंगे तो 18% तक आपको वो आएगा, बार करेंगे तो 18 के 25 हो जाएंगे, फिर दोबारा देखेंगे तो 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, लेकिन पूरे 100 नहीं होंगे। 100 तो कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन लिखने पे जो है 90% तक चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं और माइंड में बैठ जाती हैं। तो बच्चे सबसे पहले गलती क्या कर रहे हैं, लिख के नहीं देख रहे। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस वगैरह है, तो उसमें तो वही बड़े बड़े लंबे लंबे हिस्ट्री है, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में भी लॉन्ग आंसर्स होते हैं, तो उसमें क्या है आपको कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे और बाकी चीज़ें जो है आपको खुद अपने से बनानी पड़ेगी। तो इंग्लिश और हिंदी में तो ऐसा है, और छोड़ के नहीं आना है, बच्चों को छोड़ के नहीं आना है। अनसीन पैसेज को पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर ढूंढिए, बजाय अनसीन पैसेज को पढ़ने के टाइम गंवाने के। और उसके बाद में जो है ग्रामर के क्वेश्चंस रहते हैं, तो ग्रामर के क्वेश्चन तो भाई आपने अगर स्टडी किया तभी आप कर पाएंगे, तो ग्रामर में तो भाई आपने अगर पढ़ाई की है तभी कर पाएंगे। और रही बात जो है आपकी नोटिस और एडवर्टाइजमेंट की, वो लेटर राइटिंग की, तो इनका भी एक फॉर्मेट होता है, ये भी सरल होते हैं। फॉर्मेट अगर आपने याद है किस तरह से लेटर राइटिंग लिखते हैं, लेफ्ट में क्या आता है, राइट में क्या आता है, नोटिस का, एडवर्टाइजमेंट का, तो इसमें भी आप कहीं नंबर नहीं जाते। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें जो है थोड़ा सा आपको जो पूछा गया है उस पर फोकस करें, बजाय इसके कि जो आपको याद है। कई बच्चे जो बहुत
धुरंधर किस्म के होते हैं, वो जो उनको याद है वो लिख के आते हैं। ये आपका कोई सब्जी मंडी नहीं है कि आपके हिसाब से चलेगा काम। जो पूछा गया अगर आप उसका आंसर देते हैं तभी आपको नंबर मिलेंगे, ये नहीं कि उस चैप्टर का वो क्वेश्चन है तो हमको ये याद है तो हमने लिख दिया, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी में जो है आप अगर अच्छा से स्कोर करें तो फिर आपको जो फिर बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, जो साइंस में आ जाते हैं है ना, तो साइंस में भी जो है फिर आपको आसानी रहेगी। इसी कारण से जो है पहले हिंदी और इंग्लिश को किया जाता है ताकि बच्चे जो है फ्री होके जो है दूसरे सब्जेक्ट्स पे जो है पूरा 100% फोकस कर सके उसमें, क्योंकि मैटर तो वही करता है। साइंस में नंबर आपके मैटर करते हैं, साइंस में नंबर आपके अगर एक बार मान के चलिए आपके और सब्जेक्ट में नंबर कम है लेकिन साइंस में अगर नंबर आपने स्कोर किए अच्छे से तो फिर आप मान के चलिए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज मैटर्स। आप चाहे देख लीजिए, अब इंग्लिश की बात करते हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं सब में जो है इंग्लिश का अपना एक रोल है, इंग्लिश को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, कोई सी भी एग्जाम उठा के देखेंगे आप। और मैंने ये देखा है कि बच्चे इंग्लिश को बहुत लाइटली लेते हैं, वो सोचते हैं आपको इंग्लिश आती हो, जब हम पूछते हैं उनसे तो वो जीरो, तो आप लिखेंगे कब, टेंसेस की जानकारी आपको नहीं है, सही तरह की जानकारी टेंसेस की आपको नहीं है और आप क्लेम करते हैं कि आप लिखेंगे, क्योंकि भाई आप कोई भी स्ट्रक्चर आप लिखते हैं तो भाई बिना ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसका आप सही तरह से अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही तरह से नहीं लगा रहे हैं, एक्टिव में है पैसिव में ये नहीं मालूम आपको, तो फिर कैसे हो पाएगा काम। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को केवल सोचते हैं कि तो क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे, अनसीन कर लेंगे, लेकिन वो ये नहीं मालूम कि अगर आप ग्रामर कर लेते हैं बहुत अच्छे से, हालांकि ग्रामर 5-10 नंबर की आती है लेकिन ये मैटर करती है हर जगह पे, क्योंकि इसी से माध्यम से आप कोई भी चीज को समझ के अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो बच्चों लिखने की कोशिश करिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप रजिस्टर भर भर के लिखें, थोड़ा थोड़ा तो कुछ मेन मेन वर्ड्स तो आप रिकॉल कर सकें वो तो लिखें, ये बात है। और लास्ट में पेपर करने के बाद में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जाने की बहुत जल्दी रहती है, और एग्जाम के बाद जब वो बाहर आते हैं भले वो 2 क्वेश्चन छोड़ गया है 3 क्वेश्चन छोड़ गया, भाई पेपर कैसा गया, बहुत अच्छा गया, फिर नंबर अब उनके जब आते हैं तब सब चीज क्लियर होती है, तब जो है डांट डपट चालू होती है घर में, पहले कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट आता है तब जो है बड़े बड़े लेक्चर चलते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां चलती हैं ये वो, लेकिन पहले कोई कंट्रोल नहीं करता। तो समय से पहले अगर आप कोई चीज करते हैं या समय से पहले अगर आप कोई चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है, तो यही बात है। और एक बात और जो मैं कहने जा रहा था वो ये कि पेपर करने के बाद में कुछ बच्चे जो है तुरंत घर चले जाते हैं, कई बच्चे तो ऐसे हैं पूरी 3 घंटा लिखते हैं तो उनको टाइम कम पड़ता है, वो कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको या तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ के आज सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं, जो फंसा फंसा नहीं फंसा नहीं फंसा, तो ऐसे बच्चों की स्थिति काफी चिंताजनक रहती है और बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं वो लोग, इधर उधर ताकते हैं, व्यवस्था हो नहीं पाती, अब तो पहले से सिस्टम नहीं है, अब तो जो है काफी चीजें सही हो गई हैं, तो एग्जामिनेशन के टाइम पर जो है अगर कोई बच्चा कुछ अपने से बनाने की कोशिश तभी करेगा ना जब वो थोड़ा सा कहीं उसने कुछ ज्ञान अर्जित किया होगा, लेकिन जब आप रील्स देखते रहोगे और इधर उधर की बातें लोगे, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तभी तो आप लिखोगे, तो नॉलेज इज पावर इसलिए कहा गया, अगर आपके पास नॉलेज है सब्जेक्ट के तो आप जो है थोड़ा हाथ पांव मार भी सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज में तो भाई आपको उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको वर्ड्स चाहिए, टेंसेस चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसलिए जो है मैं तो बच्चों से यही कहता हूँ कि ग्रामर को इंग्लिश में अगर आपने नहीं की पहले स्टार्टिंग से ही सब अपना लिटरेचर के अलावा के साथ साथ, तो फिर आपको जो है लैंग्वेज में तो मुश्किल है और बाकी सब्जेक्ट में तो आपको जो है जैसे मैथ्स है साइंस है इसमें तो आपको जो है कंसेप्ट से चीज़ें समझनी पड़ेगी, कंसेप्ट कोई भी चीज़ का कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, साइंस की बात कर रहे हैं अपन, कंसेप्ट हर चीज के कंसेप्ट है, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप उस सब्जेक्ट में आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे नंबरों से, लेकिन कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है आपको मालूम ही नहीं है और आप उसको डेराइव कर रहे हैं उसको, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो
सभी को बेस्ट ऑफ लक, और पेपर अच्छे से करिए, विश्वास के साथ जाइए, रिलैक्स होकर जाइए। हमारे ये माइंड कब अच्छे से काम करता है? जब ये रिलैक्स्ड होता है। टेंस्ड माइंड कभी भी अच्छे से काम नहीं कर सकता। तो कोशिश करिए रिलैक्स होने की, और रिलैक्स को गोली नहीं है कि आप रिलैक्स होकर, रिलैक्स होने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को सोना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे हम देख रहे हैं कि रात में, भैया रात में पढ़ाई हो रही है, रात में पढ़ाई हो रही, मतलब रात में पढ़ाई हो रही, मतलब क्या मतलब? रात में पढ़ाई का मतलब क्या? आप अपनी हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं। रात होती है काहे के लिए? सोने के लिए होती है। बच्चों को कम से कम 7 से 8 या 9 घंटा तो जरूरी है। 8 घंटा तो बड़े लोगों को 8 घंटा तो नहीं, लेकिन बच्चों को तो थोड़ा और 9 घंटा 10 घंटा भी अगर बच्चे सो जाते हैं तो दैट इज आई थिंक इतना तो होना चाहिए। 1-1 घंटे ज्यादा बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है नींद की। तो रात में नहीं सो के, रात में जग के, जागरण करके, पढ़ाई करके, और मेरे ख्याल से दिन में भी काफी समय मिलता है। हाँ, कुछ घरों में समस्या रहती है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ घरों में ऐसा वातावरण रहता है कि बच्चों को रात में ही समय मिल पाता है पढ़ने का, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर घर में दिन में भी पढ़ने का माहौल है तो मैं समझता हूँ कि दिन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ के रात में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ज्यादा 11-12, ज्यादा से ज्यादा 1 बजे। इसके अलावा तो मैं समझता हूँ कि अपनी हेल्थ को केवल आप जो है हार्म करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपका जो हेल्थ है यही आपको आगे, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, गोल्स हैं लाइफ में जितने भी हैं, वो सब इसी शरीर के माध्यम से आपको पूरी करनी है। तो आप अपनी जो शरीर को लाइटली नहीं ले सकते, आपको यही शरीर काम आएगी आगे चल के, यही पैर आपके काम आएंगे, यही दिमाग, यही आंखें, और इन सबको स्वस्थ रखना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो हेल्थ इज लॉस्ट और समथिंग इज लॉस्ट, ये बात सही है। इसलिए हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें। बच्चे खूब टाइम वेस्ट करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी मैंने देखा टाइम वेस्ट करते हैं, खूब देख रहे हैं मोबाइल, मम्मी पापा खूब घंटों घंटों बकवास चल रही है, मोबाइल चल रहे हैं, लेकिन 10 मिनट जो है प्राणायाम या योग या ऐसी ऐसी चीजें जिससे हमारी बॉडी की सेल्स रिजुवनेट हो जाती हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे साहब, नहीं, क्योंकि उससे शरीर को फायदा हो जाएगा। ये ऐसा ट्रेंड चल गया है, और फिर जो है बड़ी बड़ी बातें कि साहब ये टेस्ट वो टेस्ट, ये करना है वो करना है, तो भाई प्रिवेंटिव मेजर्स लेके आइए, तभी सब कुछ हो पाएगा। ये बीमारियां जो है बैठी हुई है अंदर आने के लिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया आपको, बीमारियां जो है बैठी हुई है आपके अंदर आने को, तो आपका ये फर्ज है कि उन बीमारियों को रोकें। आप कब रोक पाएंगे? जब आप ये स्टेप्स उठाएंगे, आप थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जो भी चीज कुछ होता है उसको पॉजिटिव आउटलुक से देखें, और उसमें पॉजिटिव सोचे, साथ में कुछ एक्टिविटीज अपने बॉडी के, योग प्राणायाम, आप वॉकिंग नहीं कर पाते हैं, योग प्राणायाम करें, ब्रीदिंग करें, कुछ टाइम्स करें, तभी जीवन कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, वीडियो कैसे लगी बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से करिए पेपर। टिल देन, बाय बाय।